हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन प्लैटिनम। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था कैनल एफ सिटी के जिम लीडर बायरन को, एंड उसके साथ हम लोगों को मिल चुका था, आई गेस हमारा, वेट लेट मी सी, हम लोगों को हमारा 6th बैच मिल चुका था। अभी बस 2 जिम और चाहिए। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मतलब 2 लेक्स पे जाके मतलब एक तो टीम गैलेक्टिक के कमांडर्स थे सैटर्न और मार्स को हरा दिया था। एंड आज के एपिसोड में हम लोगों को बैरी की मदद करने के लिए जाना है लेक एक्यूटी, जो कि स्नो पॉइंट सिटी के जस्ट बाजू में है। लेकिन उससे पहले गाइज, आज के एपिसोड में हम लोग ट्रैवल करने वाले थोड़ा सा अलग प्लेस पे। आप लोग देख सकते हो मैंने कोई हील भी नहीं किया, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट एपिसोड को एंड किया था। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग पहले तो जाएंगे फ्लोरोमा टाउन में, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने मेरे को बोला था कि वैली विंड वर्क्स के यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, फ्लेम थ्रोअर का TM मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है आई वॉन्ट दैट TM बिकॉज हमारे, फिर मैं उसको सिखा दूंगा ना, हमारे इन्फरनेब को, जो कि उसके बाद आई गेस वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे ऐसा लग तो रहा है, बट या लेट्स सी। एंड आप लोगों ने मेरे को बोला था कि मेरे को सर्फ करना पड़ेगा, मतलब सर्फ करके जाऊंगा तो फिर वो मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन्स आ रहे हैं, मैं इसको रन करेगा फ़िलहाल तो। एंड एक काम कर लेते हैं, बैग में जाके रिपेल मार लेते हैं, मैं नहीं चाहता कोई पोकेमोन आके। ओके, आई गेस यही है वो TM। लेट्स यूज़ सर्व एंड लेट्स सी क्या है ये। वो एक इलेक्ट्राइजर है, मतलब जो आइटम मुझे लगेगा इलेक्ट्रावायर को, मतलब इलेक्ट्रोबस को इवॉल्व करने के लिए। पीछे भी एक पोकेबॉल दिख तो रही है मुझे बाय द वे, बट या लेट्स सी क्या है वो। ये तो TM-24 है, थंडरबोल्ट, बट यहाँ पे मेरे को फ्लेम थ्रोअर की तलाश में आया था। आई गेस मैं यहीं से थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, होपफुली यहीं पे मुझे कहीं मिल जाए। आई गेस इस साइड होगी, लेट्स सी। आज के एपिसोड में मेरे को कुछ भी करके वो TM चाहिए ही चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे सिखाना है यार मेरे टीम में इन्फरनेब को, ऑब्वियस सी बात है। वो ये रास्ता कौन सा है, ये मैंने पहले कभी चेक नहीं किया था। हील बॉल, ओके, आगे थोड़ा रास्ता और जा रहा है तो उसको वहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं, होपफुली कोई अच्छी जगह हो वहाँ पे। ये जगह मैं पहले कभी भी नहीं आया हूँ। वेट, ये क्या है, फ्यूगो आयन वर्क्स, होम टू द मोल्डन फाउंड्रीज। ओके, लेट्स सी क्या है इनसाइड। यहाँ पे आई गेस रिपेल की तो ज़रूरत नहीं होगी। ओके, पहले मुझे नीचे जाके ये पोकेबॉल लेना है। अच्छा, मैं नीचे नहीं जा सकता। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं पहले वेट कर लेता हूँ ये जब तक मेरे को घुमा रहा है। चलो भाई, मेरे को वो TM चाहिए जल्दी से जल्दी। आई गेस यहाँ पे TM मिल सकता है, बट ये बहुत ही ट्रिकी प्लेसेस है, बट या कोई बात नहीं। ब्लू शार्ड, ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। ग्रीन शार्ड, ओके, बहुत सारे शार्ड से गईज यहाँ पे। अभी कहाँ पे जाना है, ओ यहाँ पे एक रास्ता तो है, चलो यहाँ पे जाके देखते हैं। वेट 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 वेट, ऊपर भी तो एक कोई तो पोकेबॉल थी, मैंने देखी नहीं। फायर स्टोन, ओके, देखो गाइस यहाँ पे फायर स्टोन मिला है तो देर आर हाई चांसेस कि मुझे यहाँ पे मतलब वो जो TM जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है। चलो सेकंड में जाके देखते हैं। नहीं यार, मैं फिर से वहीं पे आ गया, और ये कितना घूम रहा है, बाप रे। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ओके फाइन, ठीक है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा मुझे। मैं नीचे सेकंड पे तो गया था तो वहाँ पे हुआ नहीं, तो आई गेस इस बार मुझे थोड़ा सा फर्स्ट पे जाके देखता हूँ। ओके, आई गेस मुझे इसके साथ बैटल करनी ही पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं।
मेरा फास्ट फॉरवर्ड का बटन काम नहीं कर रहा है कभी कभी। कोई बात नहीं, यहाँ पे रन तो ऑब्वियसली बात है, मैं रन क्यों कर रहा हूँ। कैस्ट्रोडॉन आ जा, आई नीड योर हेल्प ब्रो। एक सर्फ और काम तमाम। ओके, काफ़ी इजीली हरा दिया। चलो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके डैम, TM-35 फ्लेम थ्रोअर जिसकी तलाश थी मुझे मिल गई फाइनली। मतलब वो टीएम मुझे मिल गया, मैं उसको फट से सिखा देता हूँ। TM-35 ना, बाकी के टीएम के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है किस पोकेमोन को सिखा सकता हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। फ्लेम व्हील फिजिकल अटैक है ना, एम्बर हटा देता हूँ मैं। ओके, इन्फरनेप सीख चुका है। बाकी के मैं आपको टीएम दिखा देता हूँ मेरे पास कौन से है, ये देखो। तो मुझे कोई आइडिया देगी तो बता देना किस किस को मैं सिखा सकता हूँ। ओके, एंड इस गेम में बस एक ही बार सिखा सकता हूँ, सो मतलब थोड़ा सा ध्यान से। मैंने उसको इजीली डॉच कर लिया, बट यह कोई बात नहीं। अभी हम लोग जाएंगे लेक एक्यूटी, और लेक एक्यूटी को जाने के लिए मुझे आई गेस, वेट, ये रही लेक एक्यूटी। तो मुझे आई गेस स्नो पॉइंट सिटी जाना है, तो यहाँ से या फिर यहाँ से सेलिस्टिक टाउन या फिर इटरना सिटी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा होपफुली। चलो साइकिल पे बैठे हैं हम लोग, और आई गेस ए वेट, मुझे पता है यहाँ से रास्ता ऊपर से था जाने का। एंड गाइस, आप लोगों ने मेरे को बोला था कि यहाँ पे कहीं तो मतलब ड्रैगन प्लेट मिलेगी मुझे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो कहाँ पे मिलेगी, बट या नेवर माइंड। यहीं से रास्ता है क्या आगे जाने का? हाँ जी हाँ गाइस, यहीं से रास्ता है। ओके, इसके साथ मैंने बैटल नहीं की थी क्या? कितना कम लेवल का पोकेमॉन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला है, मैंने बैटल नहीं की कभी इसके साथ। इकोनिक्स आ जा, कोई बात नहीं। आई गेस मुझे रिपल मार लेना चाहिए। रिपेल के लिए यहाँ पे होगा ना, वो गे रिपेल मार लिया मैंने। लेट्स सी क्या है हम अंदर। यार मुझे रॉक स्मैश की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे अगर ऊपर जाना है तो। आई डोंट नो यार, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, सो इट्स बेटर कि मैं सेलेस्टिक टाउन से होकर जाऊँ, या फिर मुझे वहाँ से, अच्छा माउंट कॉर्नेट के अंदर ही जाना है तो मे बी मुझे थोड़े पोकेमॉन्स चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ से निकल लो जल्दी, एंड पोकेमॉन चेंज करता हूँ, मेरे को मेरा रॉक स्मैश वाले की ज़रूरत होने वाली आई गेस। एंड देयर माइट बी चांसेस कि मेरे को स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होने वाली है, तो मैं किसी एक पोकेमॉन को डिपॉजिट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एलेक्जाम तेरे को डिपॉजिट कर रहा हूँ, बाद में तेरे को ले लेगा, डोंट वरी। कहाँ गया मेरा HM स्लेव? आ जा पार्टी में ब्रो, आई गेस तेरे को न्यू मूव सिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे ऊपर जाना है ऑब्वियसली बात है। चलो फिर से गाइस, रिपेल ख़त्म, यहाँ पे रिपेल मारने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो यहाँ पे मारना नेसेसरी है। वेट, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो कुछ है क्या? इंटरेस्टिंग होना तो चाहिए मेरे लिए। नहीं यहाँ से मैं सर्फ तो नहीं कर सकता, तो छोड़ो, आई गेस माउंट कॉर्नेट के ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे फिर तो। मेरे को स्ट्रेंथ भी सिखाना पड़ेगा आई गेस,
स्ट्रेंथ तो मेरे को मिल चुका था TM HM। होपफुली हमारा TM स्लेव, ओ ये नहीं सीख सकता। अरे यार फिर ये प्रॉब्लम हो गई, मैं किसको सिखाऊं? आई गेस लक्सरे को, वैसे भी मैं हटाने ही वाला हूँ टीम से, तो लक्सरे को सिखा देता हूँ क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करूँगा इलेक्ट्रा बस के साथ जो कि आगे जाके इवॉल्व होगा। टैकल हटा देता हूँ इसका जो कि आगे जाके इवॉल्व होगा, आपको तो पता ही है इलेक्ट्रा वायर में। ये क्या है? ओके एक आइस हील। यस आई एम एबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ माई लक्सरे। क्या मिला मुझे यहाँ पे? TM69। ओ 69 रॉक पॉलिश। ओके ठीक है, इससे मतलब मूव की मतलब पोकेमोन की स्पीड बढ़ जाती है, समथिंग लाइक दैट। एस्केप रोप। ओके स्टार पीस। आई गेस मेरे को साइकिल हटा देनी चाहिए। ओके वो वेट, पहले रिपेयर मार लेते हैं यार यहाँ पे। आई गेस बहुत सारे रिपेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे यहाँ पे। चलो ऊपर दे, लेट्स सी, देखते हैं क्या करना है मुझे यहाँ पे। ये तो हम और नीचे जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। मुझे अबे डिफॉग की भी ज़रूरत है, आर यू किडिंग मी? अरे यार मैं डिफॉग कैसे भूल सकता हूँ, या फिर छोड़ो मैंने डिफॉग वगैरह करने वाला, मुझे बस यहाँ से निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इधर क्या है, कोई रास्ता है क्या यहाँ पे? नहीं आई गेस मुझे डिफॉग की ज़रूरत है। ओके तो गाइज वेट करो, मैं डिफॉग वाला स्टार एप्टर नहीं, कौन था वो? स्टारली था आई गेस, या फिर स्टारी विया था, आई डोंट नो। मैं उसको फट से चेंज करके आता हूँ। ओके गाइज थैंक यू फॉर वेटिंग, मैंने मेरे स्टारी विया को चेंज कर लिया, अभी हम लोग डिफॉग यूज़ कर सकते हैं एंड होपफुली मैं अभी सही जा रहा हूँ, आई डोंट नो बट या लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफॉग यूज़ करेगा। ओके विदाउट डिफॉग ये क्यों क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है यार। ओके लेट्स सी यहाँ पे क्या छुपा के रखा है हमारे लिए। अल्ट्रा बॉल। ओके नाइस, और आगे जाएंगे। ओ डैम मैंने वाइल्ड पोकेमोन के लिए वो ही नहीं मारा था। अरे यार ये कभी कभी है ना फास्ट फॉरवर्ड हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके कांट एस्केप। ओ अभी मैं समझ गया, मेरी स्टारिवे की लेवल कम है, अभी तो मैं रन कर सकता हूँ। वेट मैं पहले तो मेरे किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को आगे रख देता हूँ ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है, क्या मैं यहाँ पे सर्फ कर सकता हूँ? आई गेस हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके वो यहाँ पे कुछ तो है। रिपेल ख़त्म हो गया बाय द वे, हम लोग रिपेल पहले मार लेंगे। मार दिया क्या मैंने? आई गेस हाँ मार दिया। यहाँ पे मिला एक मैक्स एलिक्सर। ओके डिसेंट है, इसको तोड़ो यहाँ से। तो अगर आपको स्नो पॉइंट सिटी जाना है तो इट्स नेसेसरी यू टू हैव मतलब ऑल दिस HMs। फर्स्ट तो डिफॉग, देन स्ट्रेंथ और फिर रॉक स्मैश, ये सब होना ही चाहिए अगर आपको स्नो पॉइंट सिटी जाना है, अदरवाइज आई डोंट थिंक आप लोग जा सकते हो। जो कि आई गेस ठीक ठाक है भी यार, नहीं भी है, मतलब वॉट इफ अगर किसी को मतलब HMs ले अपने कैरी नहीं करना तो फिर मतलब बाकी सारे मूव सिखाने पड़ेंगे। ओके लेट्स सी इस पोकेबॉल में क्या है। फुल रिस्टोर। ओके मतलब इट्स वर्थ इट, ऑब्वियसली बात है इतनी महंगी चीज़ें अगर फ्री में मिल रही है तो इतना आगे आना काइंड ऑफ समझ सकता हूँ मैं। ओके होपफुली मेरे से एक पोकेबॉल छूट गई पीछे बाय द वे, बट वो बहुत
यार नहीं यार, फिर मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मतलब फिर मैं बाद में सोचेगा कि क्या हो सकता है उस पोकीबॉल में। सो इट्स बेटर मैं जाके पहले ही चेक कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या होगा उसमें। क्या है तेरे में? अरे यार एक सॉफ्ट सैंड, ओके डिसेंट ही है, बच गया मैं। ओके चलो अभी ऊपर जाके देखते क्या यहाँ पे कुछ हिडन है। नहीं है यहाँ पे कुछ हिडन नहीं है। यहाँ पे दो दो एंट्रेंस है। लेट्स सी यहाँ पे। ओ रूट 216, आई गेस उधर ही तो जाना था मुझे। एंड ये कहाँ पे लेके जाता है मुझे? नेवर मेल्ट आइस। ओके आई डोंट नो इससे क्या यूज़ होगा, बट या ठीक है। आई गेस ये कोई आइटम है जो कि मेरे किसी पोकेमोन को लगेगा जब मैं उसको साथ इवोल्यूशन मतलब ट्रेड इवोल्यूशन करेगा, समथिंग लाइक दैट। वो यहाँ पे कितनी बर्फ़ है, मैं लिटरली धस चुका हूँ उसमें अंदर। बट या यहाँ पे हमारा हमारा एक न्यू टीममेट या फिर टीम मेंबर हम लोगों को मिल सकता है गाइस, जो कि आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रिपल्स मारने नहीं वाला क्योंकि मेरे को उसको कैच करना है। इसके ड्रेस नारुतो की तरह था। ओके आई गेस क्लोज कॉम्बैट। एंड नाउ जब हमारे पास फ्लेम थ्रो आ चुका है तो हम लोगों को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ओके इन्फर्नी 41 का हो चुका है। पोरीगॉन 2 वो भी तो नॉर्मल टाइप ही है। ओके चलो ये भी चला गया, नाइस। अरे यार बंद हो जा। हाँ ओके आई गेस मुझे इसमें से जाना ही पड़ेगा। नीचे क्या रखा है आपके पास, क्या है? ओके इन सारे लोगों के ड्रेस नारुतो की तरह क्यों है? लेट्स सी फ्लेम थ्रोअर की पावर। ओ फ्लेम थ्रोअर का एनिमेशन देखा गाइस, लिटरली इट्स लाइक रियल फ्लेम थ्रोअर। बट या यहाँ पे रॉक क्लाइम लगेगा, अभी तक है नहीं मेरे पास वो। हाय ब्रो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? नीचे क्या है ये? स्नो बाउंड लॉज। ओके अ वॉर्म बेड एंड लिटिल एल्स। ओके लिटिल एल्स, ओके ऐसे कुछ तो था। आई गेस तुम लोग हील करोगे मेरा पोकेमॉन। ओ थैंक यू सो मच फॉर योर हीलिंग मैन। आप कुछ बोलोगे? याहू दिस लॉज सीन बेटर डेज बट रिलैक्स, मेक योर सेल्फ एट होम। यस ओ ये भी हील कर रहा है, मतलब ठीक है दो लोग हील कर रहे हो एक ही घर में, बेड भी और एक इंसान भी। थैंक यू सो मच। वो पोकेमॉन मुझे मिल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? आई एम नॉट लुकिंग फॉर मेडिटेट फिर मेडिटाइट। आई एम नॉट ऑल्सो लुकिंग फॉर स्नोवर। एबोमो स्नो नहीं चाहिए यार मुझे, मुझे वो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन चाहिए। आई डोंट नो लेट्स सी रूट 217। तो ये कौन है? मैलिन। ओके ओ कार मैलिन है क्या? जिम लीडर थी। और ये मेरे नाम कैसे जानती है? आर यू मे बी ऑन योर वे टू स्नो पॉइंट सिटी, दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू। इफ़ आई यूज़ फ्लाई आई कैन गेट थ्री आई कैन देयर आई कैन गेट देयर इंस्टेंटली। ओके बट आई एम वॉकिंग फॉर माई ट्रेनिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। आई एम यूज टू द कोल्ड बिकॉज आई विल गो बेयर फुट एंड लाइटली ड्रेस्ड। ओके अच्छू ओके तेरे को सर्दी हो गई है। ओह दैट वॉज नथिंग रियली, आई एम नॉट कोल्ड एट ऑल। आई विल बी गोइंग नाउ, प्लीज़ टेक केयर। बट उसने मेरा नाम लिया था। बट या ओ एक बैटल आ जा। आई गेस इनका स्क्वेट मतलब स्वेटर ही नारुतो की तरह है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फ्लेम थ्रोअर का एनिमेशन देखो यार कितना कूल है यार। आई गेस इट्स वर्थ इट यार, मतलब मैं जो फ्लेम थ्रोअर के लिए इतनी मेहनत किया था, इट्स वर्थ इट। ओके अरे यार ये पैरालाइज कर देता है। पहले तो इसके स्टेटस हीलर वाले को ट्रिगर कर लेते हैं, यूज़ करो। ओ लिटरली
मेरा पोकेमोन जस्ट बचा फेंट होने से। एक मैगमार आ रहा है। गैस्ट्रोडॉन आई नीड योर हेल्प ब्रो। एंड आई गेस अगर मेरे को अभी नहीं मिला ना तो फिर मैं उसको, आई एम टॉकिंग अबाउट मैमोस्वाइन, मतलब पिलोस्वाइन, ऑब्वियसली बात है मैमोस्वाइन को तो मैं बनाऊंगा उसको। ओके वेट, पोकेमोन हील करना पड़ेगा यार। एंड हीलिंग आइटम्स मेरे पास ज़्यादा, हाइपर पोशन एक है, आई गेस आई शुड यूज़ वन। ओके इन्फर्नेप तो आई गेस हेल्दी है। अब बस फुल हील है मेरे पास, उससे मैं इसको हील कर लूँगा। एंड यस आई एम गुड टू गो। मैं यहाँ पे साइकिल भी यूज़ नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है बर्फ़ में कैसे साइकिल चलाऊँगा। ओ यहाँ पे वो हिडन ट्रेनर है कि पोके बॉल है? ओ पोके बॉल है, आई थॉट वो हिडन ट्रेनर है। लिटरली मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कैसे आगे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे एक ट्रेनर है जो कि मैं, ऑब्वियसली बात है अवॉइड करेगा। ये कोने में क्या है यार, मतलब मैं आया ही क्यों यहाँ पे? और लिटरली ये क्या, मैं पूरा बर्फ़ में धंस चुका हूँ। अरे यार ब्रो आ जा। ओ तू लड़की है बट इसका फ्लेम थ्रोअर का एनिमेशन देखो गाइस, कितना सेटिस्फाइंग है यार, मतलब लिटरली। ओके यहाँ पे भाग भी नहीं सकता मैं। ओ पोके बॉल्स कितने सारे। अच्छा ये ट्रेनर था। यू हैव गॉट अ गुड आई स्पॉटिंग मी। ओके गोल बैट, फ्लेम थ्रोवर। अरे यार पॉइजन कर दिया। वेट सबसे पहले तो इसका पॉइजन हटाना पड़ेगा। फुल हील मेरे पास लिमिटेड ही है। एक अल्ट्रा बॉल एक और है। ओके लेट्स सी यार ऊपर जाना है। यार मैं लिटरली धस चुका हूँ। ये पक्का एक पोके बॉल है। ओके आयन, आई गेस आयन से अटैक बढ़ता है, समथिंग लाइक दैट। ये भी पोके बॉल ही लग रही है। ओ TM07 हील, क्या ये लॉज है यहाँ पे पोकेमोन हील होता है? वाइल आई वॉज फाइटिंग माई वे थ्रू द ब्लिजर्ड आई ड्रॉप एन HM। इफ आई स्टिल हैड दैट हिडन मूव रॉक क्लाइम आई वुड बी एबल टू स्केल शीर क्लिफ्स। ओके मतलब यहीं पे कहीं पे तो है आई गेस रॉक क्लाइम। डोंट टेल मी यही है वो। OMG गाइस मेरे को रॉक क्लाइम भी मिल चुका है, मतलब ऑब्वियस ही बात है और क्या ही चाहिए मुझे। रॉक क्लाइम बहुत नेसेसरी HM बोल सकते हैं गेम का। लेट्स सी, ओ यहाँ पे ये बैटल करेगा क्या? अरे यार लिटरली मैं थक चुका हूँ। बट आई गेट इट्स दी एंड, मैं पहुँच चुका हूँ एंडिंग में। बट या बैटल कर लेंगे इसके साथ हम लोग। ये एक फाइटिंग ट्रेनर होने वाला है बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़। ओ सकर पंच, ओके फ्लेम थ्रोअर मुंह से आग फेंकता है। ओके बट कुछ भी बोलो, इसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा है फ्लेम थ्रोअर का। माचोक आ रहा है, अरे यार इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसका लेवल बहुत कम है। ओके गैस्ट्रोडॉन आई गेस आई कैन बिलीव इन यू। लेट्स यूज़ रेन डांस, हम लोग रेन रेन कराएंगे, कोई बात नहीं। सर्फ यूज़ कर सकते हैं मैं अभी। एंड ओके वन शॉट किल। एक रियोलो आ रहा है, स्टिल सर्फ। मेरे पास ही बहुत जल्दी एक रियोलो आ जाएगा, डोंट वरी गाइज। ओके चलो आगे जाएंगे। आई गेस मैं एंड पे पहुंच चुका हूँ, ये इट मस्ट बी द एंड ऑफ दैट। अरे यार कितने ट्रेनर्स हैं। एक खेरी ला। ओके फ्लेम थ्रोवर, सीकिंग सीकिंग के लिए। हाँ आई गेस आई कैन यूज ग्रास नॉट।
वाटरफॉल। ओके, अरे यार डिफीट कर दिया मुझे। आई कैन यूज़ माई लक्स रे। इवन तो मैं इसको अभी मतलब ज़्यादा दिन या फिर ज़्यादा टाइम तक ट्री टीम में नहीं रखेगा, बट स्टिल एटलीस्ट तू मुझे हेल्प तो कर सकती है। और पता है गाइस, जब आपको पता चल जाता है कि आप लोग एक पोकेमोन को अपने टीम में नहीं रखने वाले, तो फिर अचानक से है ना वो एक्साइटमेंट चली जाती है उस पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग करने की। सेम लक्सरे के साथ भी हो रहा है, बेचारी बेचारा लड़का है हमारा। ओके चलो यार, वाइल्ड पोकेमोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग छोड़ा कैसे, मेरे को बिलीव नहीं आ रहा है, क्योंकि लेवल देखो स्टारेविया का। लक्सरे तो ऊपर आ जा, बेचारा इन्फरने फेंटेड है। बट आई गेस हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं। वेट वेट वेट, डोंट टेल मी मेरे को अभी रिपेल मारना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। ओके आई गेस इट्स द एंड, हम लोग आ चुके हैं एक्यूटी लेक फ्रंट। ओके ओ बैरी यहाँ पे ऊपर क्या है। ओमकार व्हाट यू फाइनली कम अलोंग नाउ, स्लो वे टू स्लो। मैं क्या करूँ ब्रो, यहाँ पे बर्फ़ में चलना इट्स नॉट फास्ट। ओके ऑब्वियस बात है। ओमकार सी हाउ द रॉक्स आर ऑल लंपी हियर, यू कैन क्लाइम दोज रॉक्स अंटिल यू गेट द स्नो पॉइंट जिम बैज। ओके एनी वे आई एम ऑफ, टीम गैलेक्टिक आई एम कमिंग फॉर यू। ओके मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, सो या कोई बात नहीं, आई गेस मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा फिर तो। इट्स बेटर ना, क्या है ये। अरे यार कितने सारे अल्ट्रा बॉल यहाँ पे गिरी पड़ी है भाई। स्नो पॉइंट सिटी एक बार पहुँच जाऊँ फिर मैं गेम सेव कर लूँगा। ओ फाइनली स्नो पॉइंट सिटी आ चुका हूँ मैं। ओ वेट यहाँ पे ये क्या है। अरे यार कहाँ पे जा रहा है। ओके बाप रे कितने सारे अल्ट्रा बॉल्स हैं यहाँ पे। ओके गाइस हम लोग यहाँ पे जिम भी है, बट पहले पोकेमोन सेंटर कहाँ पे गया यार तुम्हारा, बेच के खा गए क्या पोकेमोन सेंटर, कहाँ पे तुम्हारा पोकेमोन सेंटर। ये क्या है, ए रुक रुक रुक, आई डोंट वांट टू ट्रिगर एनी न्यू इवेंट नाउ। पोकेमोन सेंटर की लोकेशन बता दो यार तुम्हारे। एक तो कैसी सिटी है यार, एकदम कोने में। अरे भाई पोकेमोन सेंटर ही नहीं है क्या इनके यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे पोके मार्ट है। तो आई गेस अगर मैं अज्यूम करूँ तो यहाँ पे पोकेमोन सेंटर। जी हाँ गाइज, ओके काफ़ी कोने में है इनका पोकेमोन सेंटर, बट या स्टिल ये क्या वो मैलिन है, आई गेस ये मैलिन है। ओके पोकेमोन एक बार हील कर लेता हूँ मैं, एंड पहले उस लड़की से बात करेंगे। ओ हाय ओमकार, आर यू टेकिंग द जिम चैलेंज नाउ, आई एम होपिंग द आई एम होपिंग टू सी कैंडिस सून। ओके बट आई एम स्टेइंग अप अंटिल आई वार्म अप अगेन फर्स्ट। ओ यू शुड नो दैट कैंडिस इज यूजर ऑफ आइस पोकेमोन, आई रियली एडमायर कैंडिस। ओके शी इज सो स्टडियस। ओके शी वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस अगेंस्ट मी टू लर्न अबाउट द फाइटिंग टाइप, इट्स बिकॉज द आइस टाइप्स मैचेस अप बैडली अगेंस्ट द फाइटिंग टाइप। आई नो दैट, इतना तो मुझे पता ही है। बट या होपफुली गाइज आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड नेक्स्ट एपिसोड तक मैं टीम में चेंजेस कर चुका रहूँगा, एंड होपफुली हमारा अगर अंडा टूट गया तो फिर वो उसके साथ भी ट्रेनिंग कर लूँगा। बट या लेट्स सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड पीस आउट।